डीआरडीएम अभिषेक सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में जल शक्ति वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत ग्रीनथन का आयोजन आईओसीएल के सौजन्य से किया गया। जल संचय वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता लाने हेतु गया के लोगों ने दौड़ लगाई। टावर चौक पर डीएम अभिषेक सिंह ने ग्रीनथन रन फॉर गया को हरी झंडी दिखाया। ग्रीनथन टावर चौक से जीबी रोड, पीर मंसूर चौक, समरणालय, काशीनाथ मोड़, सरकारी बस स्टैंड होते हुए गया संग्रहालय तक सभी लोगों ने दौड़ लगाई। देखिए आज पूरा गया हरित गया के लिए, ग्रीन गया के लिए दौड़ लगाने वाला है और ये दौड़ इसको हम लोग ग्रीनथन बोल रहे हैं, रन फॉर ग्रीन गया। ये टावर चौक से गांधी मैदान तक होगा और यह हमारा संकल्प को दोहराता है कि हम सब मिलकर गया को और भी ज़्यादा हरा भरा करेंगे और गया में ज़्यादा से ज़्यादा जल संचय के स्रोतों का निर्माण करेंगे। आज ये जो एक्टिविटी हो रही है इसमें आप देखेंगे हर एज ग्रुप के, चाहे वो बच्चे हों, चाहे स्कूल चिल्ड्रेन हो, चाहे वो एडोलेसेंट हों या फिर युवा हों, और हमारे बुजुर्गों ने भी इसमें आज सब सपोर्ट किया है। और ये हम सबको इसके साथ ही मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा गया के सभी वासियों से कि 1 अगस्त से 10 अगस्त तक हम लोग मैसिव प्लांटेशन का ड्राइव दे रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपने आसपास के परिसर को हरा भरा करें और अपने तरफ से आपकी जो क्षमता है उसके अनुरूप आप प्लांटेशन करें और यह सुनिश्चित करें कम से कम 1 से 2 साल वो प्लांट आपका सुरक्षित रहे। मैं उम्मीद करता हूँ इस पहल से हम लोग आने वाले समय में गया में को और भी ज़्यादा हरा भरा कर सकेंगे और जल का जो प्रत्येक वर्ष हम लोगों का एक संकट दिखता है अप्रैल मई जून के मास में उसको कम किया जाए। इस मौके पर गया संग्रहालय में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए डीएम अभिषेक सिंह ने बच्चों से नारा लगवाया, जल है तो कल है। उन्होंने कहा कि आज जो हम जल संचय और वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं इसका परिणाम 15 सालों बाद दिखेगा। उन्होंने कहा कि बचपन में वो कभी नहीं सोचे थे कि कभी पानी की समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन आज जल संकट उत्पन्न हो गया है। डीएम ने कहा कि हमारे गांव के आसपास इतने पेड़ उपलब्ध थे कि गर्मी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। आज हम लोगों ने ये जो रैली निकाली है इसका महत्व आप लोग 10-15 साल बाद पता चलेगा, 10-15 साल बाद आप उसको समझेंगे। आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय की पुकार है, जल है तो जल है, जल है तो कल है। और ये केवल स्लोगन नहीं है, ये हमारा भविष्य है और हम लोगों को आज ही सजेगना पड़ेगा क्योंकि भविष्य में आप लोगों को इसको झेलना पड़ेगा। हम जब छोटे थे आप लोगों के बराबर थे या स्कूल जाते थे, हम लोगों को कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि पानी के लिए कभी हम लोगों को समस्या हो सकती है। हमको लगा प्रकृति में पानी तो मिल गया है, पानी का कभी समस्या हो ही नहीं सकता।